अकबरपुर विकासखंड अंतर्गत स्थित सिसवा स्थायी गौशाला में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मृत गायों को पहले से गड्ढा खोदवाकर मृत गायों को खुलेआम गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, जिसके उपरोक्त मृत गायों को गड्ढे में डालने के बाद मिट्टी से नहीं ढका जा रहा और कुछ अन्य गाय व बछड़े भूख से भी तड़प तड़प कर मर रहे हैं और कुछ घायल पड़े हैं, जिसकी खबर मिलने पर कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा सिसवा स्थायी गौशाला का निरीक्षण कर देखा गया कि गौशाला कैंपस के अंदर पहले से गड्ढा खुदवा कर मृत जानवरों कुत्ते नोचते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां पर एक तरफ गौ माता की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ गौशालाओं में मृत्यु गौ माता को खुलेआम फेंका जा रहा है और ना ही मिट्टी से ढका जा रहा है। बात यह है कि गौशाला मुख्यालय से दूर होने के कारण किसी भी अधिकारी की निगाह नहीं पड़ रही है और ना ही ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व सचिव को इन मृत्यु गौ माता के प्रति जरा सा भी रहम नहीं है और पत्रकारों की मौजूदगी में उन मृत्यु जानवर के ऊपर मिट्टी डाली गई। दादा, ये जानवर जो मरे हैं, जो वहाँ पीछे तोपा गया है, मिट्टी पड़ा, जो ये जानवर कब के तोपे गए वहाँ? आज कितना दिन हुआ? 3 दिन। आज 3 दिन पहले के हैं वो? उनका आधा शरीर खुला हुआ है, आधा तोपा गया है। वो कुत्ता खोदा है, बॉडी खुली है, वो तोपा मिट्टी नहीं पड़ा उसमें। अब साहब आप जो समझे, 3 दिन की बॉडी है ना वो, 3 दिन पहले वो जानवर जो है उसमें डाले गए थे गड्ढे में। ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।